जो डाउट है वो ये है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या फर्क है बेसिकली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं चल रहा है। तो मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको अभी के लिए क्लैरिटी हो जाए। देखो, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो केवल एज अ कंट्री हम आजाद नहीं हुए थे, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बींग भी हम आजाद हुए थे। अब आजाद हो गए तो आपको आजादी मिलना चाहिए, और आजादी मिलेगी तो ये भी संभावना है कि अगर आपको आजादी देंगे, है ना, अगर आपको फ्री करेंगे तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेंगे, कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप सब्जी लेने चाकू लेके जाओगे, स्कूल में बंदूक लेके चले गए, जिसकी मर्जी पड़ी उसको मार दिया अपन ने, है ना। आजादी का मतलब ये तो नहीं है। आजादी का मतलब ये कि आपको कोई बंदी न बना पाए बिना किसी कारण से, कोई गिरफ्तार न कर पाए, कोई आपको अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए, उसका मतलब होता है आजादी। और इसी आजादी की, राइट टू लाइफ की व्याख्या लगातार सुप्रीम कोर्ट अपने मामलों में कर रही है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एक शब्द है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए का अमेरिकन कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट में आज की तारीख में एज सच कोई फर्क रह नहीं गया है, उसका कारण है वो बताऊंगा। जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमने भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखा था, मतलब तो बाद में बदल के हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिख दिया। हमारे कहने का मतलब ये था कि जो आजादी है ना, जो राइट टू लाइफ है, वो सभी लोगों को है, एब्सोल्यूट नहीं है, पर उसके ऊपर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर हमने एक प्रोसेस तय कर दी है कि कोई व्यक्ति बदमाशी करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने लीगली एक प्रोसेस तैयार किया है, उसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना। मतलब आपकी गिरफ्तारी हम बिना किसी लॉ के, बिना किसी लॉ की प्रोसीजर के, बिना किसी प्रक्रिया के नहीं करेंगे। ये क्या बात थी? ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इससे बेहतर शब्द है। वो बोलते हैं कि लॉ तो हो ही, पर लॉ फेयर भी होना चाहिए, रीजनेबल भी होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी मानना चाहिए। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि केवल लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है बेहतर लॉ, अच्छा लॉ, है ना। जैसे खाना, अब खाना कुछ तो भी नहीं बनाओगे, खाने का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी पका के रख दिया तो खाना हो गया। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने बना दिया तो वो लॉ हो गया। डेट मस्ट बी फेयर, डेट मस्ट बी रीजनेबल, डेट मस्ट बी ड्यू। और ये ड्यू क्या है? ये वही ड्यू है कि खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लॉ भी वैसे होना चाहिए। तो उस समय की समस्या ये थी, उस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेने नहीं लेने का भी कारण ये था कि वो अपने ड्यू प्रोसेस पे उनका स्टैंड क्लियर नहीं था। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, जजेस के साथ उनका जो रीजनेबल क्राइटेरिया होता था वो बदल जाया करता था। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि यार तो गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करते अपन, सबसे शानदार चीज अपन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था कि संविधान सभा और इसके बाद आने वाले संविधान निर्माता लेजिस्लेचर लोग, वो कभी ऐसा खराब लॉ बनाएंगे ही नहीं, हम कभी ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, हम हमेशा खाना बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे, हम कभी कुछ खराब बनाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि अपने को ड्यू की तो जरूरत नहीं, अपन तो सब समझदार लोग हैं और हिंदुस्तान का भविष्य भी समझदार है, तो जब भी बनेगा वो बढ़िया बनेगा। उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं लेते हुए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिख दिया। आजादी के बाद, है ना, फिर आप क्या, चुनाव होते, प्रधानमंत्री आते, सरकारें आती है, लालच, मोह, माया, है ना, सारी चीजें आना शुरू करती होती है। जो सोच पहले की थी 1950 के पहले की, वो सोच और 1950 के बाद की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। और आपने देखा होगा जैसे ही संविधान बनता है उसके बाद से ही अमेंडमेंट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप संविधान निर्माता के तौर पे थे, अब आप सरकार के तौर पे हो, अब आप एज ए प्रधानमंत्री सोचते हो, उस समय आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन सोच रहे थे, इसलिए फटाफट अमेंडमेंट और बहुत सारी चीजें देश में आना शुरू हो गई। तो हमारे पास एक गोपालन का केस होता है ना, 1950 के आसपास का वो केस है, और 1978 का केस है मेनका गांधी वाला। तो भारत का प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ 25 सालों में लड़खड़ा गया, उसके ऊपर सवाल पैदा हो गए, और कंपैरिजन किया जाने वाला
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उसका लगातार कंपेरिजन होने लगा। तो भारत में मेनका गांधी केस लॉ ने भी बोला कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो शब्द लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब केवल ये नहीं कि कुछ भी लॉ बना दिया, वो फेयर भी होना चाहिए, वो रीजनेबल भी होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलोअप भी होना चाहिए ना, बाकी सारी चीजें भी प्रॉपर होना चाहिए। तो अब आर्टिकल 21 को हम केवल आर्टिकल 21 के रूप में नहीं पढ़ते, अब हम उसके साथ मेनका गांधी का केस भी पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसने आर्टिकल 21 को एस्टेब्लिश किया है, उसको तैयार किया है। तो बेसिकली प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या था, एक बेयर लॉ जो बना दो सही, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जो बना दो वो सही नहीं, जो सही हो वही सही। लॉ होने से मतलब नहीं होगा, लॉ सही भी होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि आजादी के बाद सरकारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अच्छा, आर्टिकल 21 की बहस में सबसे मुख्य क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी जिनके हम गुलाम हुआ करते थे, वो किसी को भी जब मर्जी पड़े तब बंदी बना लो, तब उठा लो, अंदर कर दो, रखे रहो। तो भारत के जो लोग, चूंकि आजादी इन्हीं लोगों ने दिलाई थी, तो इनकी पहली रिक्वायरमेंट थी कि हमारे साथ जैसा हुआ अत्याचार कि जब किसी जिसकी मर्जी पड़े उसको उठा लिया, वैसा अब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, ये सोच थी। पर बाद में तानाशाही आती है ना, कुछ लोग विरोध करते सरकार का, तो सरकार का मन करता है कि इसको अंदर करो, इसको भी अंदर करो, इसको भी अंदर करो, इसको भी अंदर करो, है ना। तो ये अंदर करो वाली ये क्या है, ये ब्रिटिश पॉलिसी है कि जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें अंदर करवा दीजिए। और आपके लॉ में लिखा था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो आप कुछ भी लॉ बना दोगे वो अंदर हो जाएंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करा, शानदार केस लॉज आए, है ना। चूंकि 1976 का जो केस लॉ था अपना हबीस कॉर्पस वाला, वो थोड़ा सा खराब रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की छवि को सुधारने वाला एक बहुत शानदार जजमेंट 1978 में मेनका गांधी का आता है। और तब से भारत का प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी इक्विवेलेंट हो जाता है अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। पर कब, जब हम उसको कुछ केस लॉस के साथ पढ़ते हैं, और उनमें से एक शानदार केस लॉ आपका मेनका गांधी केस लॉ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं।